हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 7 डिजिट और 8 डिजिट के स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर के बारे में। साथ ही हम जानेंगे कि 7 डिजिट के जो नंबर होते हैं उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में कैसे लिखें, और साथ ही आप किसी भी दिए गए 7 डिजिट के नंबर में किसी भी नंबर की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू को कैसे निकालें। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 7 डिजिट के स्मॉलेस्ट नंबर के बारे में। उसमें क्या होता है, एक 1 होता है और 6 जीरोज होती हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास 10 लाख। और इसके बाद लार्जेस्ट नंबर होता है 99,99,999। ये हमारे पास क्या होता है, 7 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर होता है। इसी तरह से 8 डिजिट का आप लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर लिख सकते हैं, उसमें एक 1 और 7 जीरो होती हैं। इसको हम कह सकते हैं 1 करोड़। और इसी तरह से हमारे पास 8 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 9,99,99,999। अब बात करते हैं हम कि जो 7 डिजिट के जो नंबर होते हैं उनको प्लेस वैल्यू चार्ट में हम कैसे लिख सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक टेबल की रिक्वायरमेंट होगी। टेबल में आपको 3 कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम में आपको 3 सब कॉलम बनाने हैं और इसमें लिखना है 1s, 10s और 100। इसी तरह से जो आपका 1000 वाला कॉलम है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर ये 1000 और इसको भी 2 सब कॉलम में डिवाइड करना है। एक को हम सिंबल बोलेंगे 1000 और सेकंड को 10,000। और फिर इसमें जो लैक वाला कॉलम है इसको भी आपको 2 सब कॉलम में डिवाइड कर लेना है। यहां पर आप सिंपल एल से लैक और ये आपका 10 लैक टीएल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बहुत ही आसान है, सपोज हमें 7 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर को इसमें लिखना है तो क्या करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0,0,0,0,0 एंड यहां पर क्या आएगा 1। तो ये हो गया 10 लाख 7 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। इसी तरह से आपको 7 डिजिट की लार्जेस्ट नंबर को लिखना है तो यहां पे 9,99,99,99,99 ये हो गया है 99,99,999। तो इसी तरह से आप किसी भी अननोन नंबर को 7 डिजिट का जो नंबर है उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर 743 8 2 9 3, ये सपोज हमारे पास 7 डिजिट का एक कोई भी नंबर है, गिवन नंबर है, इसको आपको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, सबसे स्टार्टिंग यहीं से कर लेंगे, 3 9 2 8 3 4 7। इसी प्रकार से आप इनका नंबर नेम भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या नेम होगा, 74,38,293। तो इस तरह से आप 7 डिजिट के जो स्मॉलेस्ट नंबर है या लार्जेस्ट नंबर है या उनके बीच के कोई भी 7 डिजिट का नंबर है तो उसको प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख सकते हैं। अब बात करते हैं फेस वैल्यू की। फेस वैल्यू क्या होता है, सपोज यहां पर ये एक नंबर दिया हुआ, हम इस वाले नंबर की बात करेंगे जो यहां पर दिया हुआ है 7438293। यहां पर इस 3 की फेस वैल्यू क्या होगी,
जो ये नंबर है ये अपने आप में फेस वैल्यू होगी, इसकी फेस वैल्यू 3, 9 की फेस वैल्यू 9, 2 की फेस वैल्यू 2, 8 की फेस वैल्यू 8, 3 की फेस वैल्यू 3, 4 की फेस वैल्यू 4 एंड 7 की फेस वैल्यू 7 होती है। मतलब जो भी नंबर है वही उसकी फेस वैल्यू होगी। अब बात करते हैं प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू के लिए आपको एक फॉर्मूला लिखना है। प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर की आप निकाल सकते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है, यहां पर लिखना है फेस वैल्यू इनटू वैल्यू ऑफ द प्लेस। ये वैल्यू ऑफ द प्लेस क्या है कि जैसे ये 1 से 10 से 100 जो भी जहां पर भी है वो नंबर, उसकी आप ये क्या हो जाएगा वैल्यू ऑफ द प्लेस। सपोज हमें इस नंबर में 4 की क्या निकालनी है, प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, तो इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी। अब देखते हैं इसकी वैल्यू ऑफ द प्लेस, ये कहां पर है, लैक में है, तो लैक में कितनी जीरो आएंगी आपका 1, 2, 3, 4, 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 1 लाख से, 50 वाला आपका आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हमारे पास प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4 लाख। इस प्रकार से आप किसी भी 7 डिजिट के नंबर की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो और जो इसमें दिए गए टॉपिक है सब समझ में आ गए हो। यदि आपको फिर भी इसमें कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम जितना जल्दी हो सके आपकी मैसेज का, आपके कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश